नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेक्निकल गुरुजी में। और ये एक आपके लिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। दुबई में आज काफ़ी अच्छा मौसम है, देख सकते हैं आप, एकदम पूरा बादल बादल हैं। तो मुझे लगा कि आपके लिए एक वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि आप कई बार कह चुके हैं कि एक दो वीडियो बनाऊँ कुछ, जब मैं कहीं बाहर निकलता हूँ दुबई में तो मैं कुछ दिखाऊँ यहाँ का आपको। तो ये देखिए, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसा लगता है दुबई यहाँ पे। और ये अभी हम जाने वाले हैं शेख जायद रोड पे, जो कि यहाँ की सबसे पॉपुलर रोड है। मैं इधर जुमेरा आया था किसी काम से, यहाँ पे जुमेरा एक एरिया का नाम है, और वहाँ से बस मैं अभी काम करके फ्री हुआ हूँ और मैं जा रहा हूँ अभी ऑफिस की तरफ। देख सकते हैं आप किस तरीके से आपको बादल बादल पूरा का पूरा देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिल्कुल बारिश का मौसम है। और इधर से हम जाएंगे तो हमको ट्रैफिक भी मिलने वाला है, क्योंकि शाम का टाइम है, अभी सब ऑफिस से अपने अपने फ्री हो चुके हैं, तो ट्रैफिक भी आपको देखने को मिलेगा शायद। देखिए पूरा घने बादलों का जो है वो सीन है। हम अंदर की लेन में, इसलिए हम अभी तक फास्ट चल रहे हैं। अभी इधर देखेंगे तो पूरा ट्रैफिक है, लेकिन हम ट्रैफिक से बचते हुए तेज़ निकल रहे हैं। सामने आपको एक मेट्रो स्टेशन नज़र आ रहा है, जो है नूर बैंक मेट्रो स्टेशन। बस अब हमारा भी नंबर आ जाएगा रुकने का, हमको भी ब्रेक लगाने पड़ेंगे। ये देखिए, तो ये है नूर बैंक मेट्रो स्टेशन। और अभी तक तो हम चलते जा रहे हैं, ब्रेक लग नहीं रहे हैं, हमारी लेन से ही चल रही है। ट्रैफिक वैसे इतना है नहीं, बस थोड़ा डेंस है, कंजेस्टेड है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम स्टैंड स्टिल ट्रैफिक है। देखें कितना अच्छा आपको नज़ारा लिख रहा है सामने की तरफ, देख सकते हैं आप पूरे बादल हैं। और ये मेट्रो आप देख सकते हैं, मेट्रो ट्रेन जो है वो ऊपर से निकल रही है। और जो बुर्ज खलीफा है आप वो देखिए दोस्तों, वो आपको नज़र आ रहा है पीछे, बुर्ज खलीफा पूरे घने बादलों के बीच में आपको नज़र आ रहा है। साइड में देखिए पिंक और पर्पल जो आपको फूल देखने को मिलते हैं, काफ़ी अच्छा नज़ारा है इस टाइम पे। अभी बिल्कुल चारों तरफ ही जो बादल, बिल्कुल घने बादल हैं उस टाइम पे। टाइम जो हुआ है वो शाम के 5 बजे हैं, तो काफ़ी अच्छा सीन है। आपको मैं भी आगे तक की रिकॉर्डिंग करके दिखाता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, वरना अगर आप बोर हो रहे हो तो माफ़ी उसके लिए। मैंने कोशिश की थी कि आपके लिए कुछ अच्छी वीडियो बनाऊं, तो मुझे लगा कि बना लेता हूं बेसिकली। और ये जो भी है ये सारा अनकट है, अगर कुछ ब्लूपर हो रहा है तो भी अनकट है, और अगर कुछ सब कुछ सही चल रहा है तो भी अनकट है। ये देखिए दोस्तों, इधर जो है सारे के सारे पीछे जो एरिया था उसमें सब गाड़ियों के शोरूम थे लाइन से। ये जो अभी आपको नज़र आ रहा है मेरे राइट साइड में, इधर जो एरिया है उसका नाम है अलकूज, जो लेफ्ट में इधर एरिया है उसका नाम है जुमेरा। और अभी हम चल रहे हैं सामने, काफ़ी अच्छी रिकॉर्डिंग हो रही है, क्वालिटी वाइज भी काफ़ी अच्छी रिकॉर्डिंग है, और जो ओवरऑल मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है इसमें देख के भी, रिकॉर्डिंग करते हुए नेक्सस 6P से। मौसम स्पेशली काफ़ी अच्छा है, और आज तो काफ़ी खुशी की बात है, इंडिया में जो एक नया फ़ोन आया है फ्रीडम 251, 251 रुपये में जो आपको क्या कमाल दे देता है। और आप देख सकते हैं सामने बारिश है, तो ऊपर आपको बोर्ड पे नज़र आ रहा है रिड्यूस स्पीड एंड वॉच फॉर वाटर पॉइंट्स, क्योंकि सामने बारिश हुई है लगता है, देख के भी लगता है। तो यहाँ पे वार्निंग मैसेज पहले आ चुका है कि मे बी आगे थोड़ा बहुत कहीं कहीं पे कुछ कुछ पानी देखने को मिले। लेकिन आप देखिए मौसम कितना शानदार मौसम आपको नज़र आ रहा है सामने, बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा है जैसे दिन में रात हो गई है, जबकि 5 बजे हैं अभी तो, और सनसेट होने में काफ़ी टाइम है, लेकिन सूरज की रोशनी बस एक तरफ से आ रही है हल्की हल्की, और एक तरफ पूरे बादल हैं, बिल्कुल काले घने बादल हैं। ये देखिए दोस्तों पीछे की तरफ से इस टाइम पे अभी रोशनी जो है वो आ रही है, मेरे सामने की तरफ से बिल्कुल बादल बादल देखेंगे आप। ये देखिए कंप्लीट बादल, ये एक और मेट्रो आप देख सकते हैं जाती हुई मेट्रो ट्रेन, काफ़ी अच्छा नज़ारा है, काफ़ी अच्छा नज़ारा है ये पूरा एकदम। अब देख सकते हैं थोड़ी धूप तेज हुई है, एक तरफ से धूप आ रही है एक तरफ से बादल हैं। अभी अगर बारिश हो इस टाइम पे इसी जगह पे तो रेनबो का इफेक्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। और ये जो एरिया अभी आपको नज़र आएगा राइट साइड में, इसका नाम है बिजनेस बे, और ये काफ़ी नया डेवलप हुआ हुआ एरिया है, पिछले बहुत ही कम टाइम में डेवलप हुआ है ये। और बाकी आप देख सकते हैं चारों तरफ आपको बिल्डिंग्स पे ऊपर जो है टावर क्रेन्स नज़र आएंगी, ये देखिए जो क्रेन्स हैं आपको हर एक बिल्डिंग में नज़र आ रही हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन में बेसिकली ऊंची बिल्डिंग्स में, हाई राइज बिल्डिंग्स में यही क्रेन्स काम में आती हैं, टावर क्रेन्स जो होती हैं। और
ये एक फैक्ट है कि दुनिया की जितनी भी टावर क्रेन्स हैं उसका 30% दुबई में है, और वो पिछले 8-10 साल से दुबई में ही है। तो क्योंकि कंस्ट्रक्शन जो है वो काफ़ी चल रहा है यहाँ पर। देखिए अभी हम एक ब्रिज पे जा रहे हैं, ऊपर एक ब्रिज है, ब्रिज के नीचे से एक प्रोजेक्ट है इनका दुबई कैनाल का, तो वो कैनाल एक ब्रिज के नीचे से निकलने वाली है। ये देखिए साइड से इस तरफ से एक कैनाल आएगी जो ब्रिज के नीचे से निकलेगी। मैं आपको अभी दिखाता हूँ आगे एक होटल। दोस्तों ये जो आप देख सकते हैं दो बिल्डिंग जो आपको सेम से नज़र आ रही है बस के पीछे ऊपर, ये जो है ये है JW मैरियट मार्की, और ये वर्ल्ड्स टॉलेस्ट होटल है। आप देखेंगे इसकी हाइट मेरे ख्याल से कुछ 50-60 फ्लोर के आसपास होगा। तो ये JW मैरियट मार्की जो है वो वर्ल्ड्स टॉलेस्ट होटल है। सबसे पहले जो था टॉलेस्ट वो था बुर्ज़ल अरब, उसके बाद में बन गया रयान रोटाना, और उसके बाद में बन गया ये JW मैरियट मार्की। तो ये जो है अभी टॉप 3 जो है टॉलेस्ट वो तीनों दुबई में ही है। और ये देखिए बारिश सामने शुरू हो चुकी है, सामने देखते हैं कि ग्लास पे छींटे आपको नज़र आ रहे हैं। और देखिए बुर्ज खलीफा नीचे का थोड़ा सा चमक रहा है क्योंकि वहाँ पे सूरज पड़ रहा है हल्का हल्का, और बाकी पूरा आपको एकदम मौसम देख के लग रहा होगा बिल्कुल भयानक सा मौसम है, किसी हॉरर फिल्म की तरह। ये बारिश चल रही है और फाइबर से हटाए तो थोड़ा साफ़ कर देता हूँ, अगर थोड़ा गीला कर रहा पानी मारते ये चलिए बिल्कुल एकदम बारिश शुरू हो चुकी है। और मैं आपको साइड से दिखाता हूँ वरना सामने से तो जो है वो आपको क्वालिटी इतनी मज़ेदार नहीं मिलेगी देखने को। ये पूरा एरिया दोस्तों बिजनेस भी एरिया है, और आप देख सकते हैं बारिश के छींटे की आवाज़ आपको बहुत तेज़ आ रही होगी। ये पूरा एरिया जो है ये बिजनेस भी एरिया है पीछे की तरफ जो आपको नज़र आ रहा है इस टाइम पे, और ट्रैफिक बिल्कुल स्लो हो चुका है क्योंकि बारिश बिल्कुल हो चुकी है सामने, और आगे का पता नहीं बारिश तेज़ होगी या स्लो होगी। मैं एक बार शीशा नीचे करता हूँ आपको फिर दिखाता हूँ। ये देखिए छींटे अंदर तक आ रहे थे, फ़ोन पीछे से गीला हो गया है पूरा। काश मेरे पास में गैलेक्सी S6 एक्टिव होता या सोनी का एक्सपीरिया Z5 होता तो काफ़ी अच्छा लगता। ये देखिए दोस्तों बुर्ज खलीफा है, इसके आपको और पीछे दिख रहा है एड्रेस होटल, वहाँ पे अभी रिनोवेशन का काम चल रहा है जो न्यू ईयर पे वहाँ पे एक हादसा हो गया था छोटा सा, और बस यही है। ये देखेंगे इस तरफ सामने आपको और बिल्डिंग नज़र आएंगी आगे की तरफ। ये इधर एक बिल्डिंग है सोफिटेल, ये काफ़ी अच्छी बिल्डिंग है, काफ़ी अच्छा सीन है ओवरऑल। अभी इस टाइम पे तो मान लीजिए एकदम बिल्कुल मज़ेदार मौसम है फर्स्ट क्लास। और आपको इस तरफ से दिखाता हूँ मैं, देखिए ये बुर्ज खलीफा, ये जो है बिजनेस बे मेट्रो स्टेशन है ये दिखते हैं, और पीछे यहाँ पे और दो बिल्डिंग्स बन रही हैं MR की, और पीछे वो दिख रहा है आपको बुर्ज खलीफा। ये दुबई मॉल वाला फ्लाईओवर है जो आपको दिख रहा है, पूरा गोल्डन कलर का फ्लाईओवर है ये। और चलिए बारिश ख़त्म हो चुकी है, बारिश ख़त्म और बस अब एकदम अच्छा एकदम सुहाना मौसम जिसको हम बोलते हैं ना वो हो चुका है। ये एक होटल है दोस्तों, इसका नाम है दूषित थानी। आप देख सकते हैं एक गेट की स्टाइल में बिल्डिंग बनी हुई है, दूषित थानी इसका नाम है। और ये पीछे की तरफ जो एरिया है वो यहाँ पे दुबई फाइनेंशियल सेंटर वगैरह जो है वो वाला एरिया है, पीछे की तरफ आगे ट्रेड सेंटर आ जाएगा। और ये देखो दोस्तों ये जो होटल है इसके ऊपर आपको दिख रहा है ये छोटा सा ग्लोब जैसा, ये वो होटल इसकी मैं बात कर रहा था रोज़ रयान बाय रोटाना, ये सेकंड टॉलेस्ट है, फर्स्ट था JW मैरियट मार्की, और जो थर्ड है वो बुर्ज अरब है। तो आप देख सकते हैं इसकी जो हाइट है वो ये देखिए यहाँ से शुरू होता है। नीचे से आपको मैं इसके एंट्रेंस दिखाता हूँ, ये आप देख पाएंगे नीचे रोज़ रयान बाय रोटाना, और ये वो होटल है जो सेकंड टॉलेस्ट है। और ये देखिए सामने आपको जो इधर राइट साइड में आपको दो बिल्डिंग दिख रही हैं ट्रायंगुलर सेक्शन जिनका ऊपर से है आमने सामने है, एक छोटी है एक बड़ी है, वो है एमिरेट्स टावर। काफ़ी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं यहाँ के लिए, काफ़ी पुरानी बिल्डिंग्स हैं दुबई की वो एमिरेट्स टावर जो है, दोनों जो बिल्डिंग्स हैं। इधर देखिए ये ऑलमोस्ट शेखजायद रोड हम अभी ख़त्म करने वाले हैं आगे, ये देखिए ये है एमिरेट्स टावर जो एक थोड़ा छोटा है एक थोड़ा बड़ा है और दोनों आमने सामने हैं। ये देखिए ये वाले काफ़ी आपने फोटोज़ में देखा होगा दुबई की फ़ोटोज़ में एमिरेट्स टावर। ये इधर सबसे पुरानी बिल्डिंग है दोस्तों, ये जो आप ब्लॉक्स देख रहे हैं साइड में ये ट्रेड सेंटर इनको बोलते हैं बिल्डिंग्स जो हैं, अब तो इनको अपार्टमेंट्स बन गए हैं ये, पहले की ये सबसे पुराने बिल्डिंग्स हैं। करीब 1990 की अगर आप देखेंगे फोटो दुबई की तो आपको केवल यही बिल्डिंग्स नज़र आएंगी, इस रोड पे बाकी कुछ भी नहीं है। और ये देखिए आपको दोनों तरफ तरह तरह की नीचे से पतली ऊपर से मोटी टेढ़ी मेढ़ी आपको सारी बिल्डिंग्स नज़र आती हैं। और ये जो बिल्डिंग दोस्तों आप देख रहे हैं सामने ये वाली,
ये वो बिल्डिंग है जहाँ से मैंने जो नोट 5 से टाइम लैप्स शूट किया था आप सभी के लिए, जो मैंने आपको दिखाया था, तो इसके अंदर मैंने 40th फ्लोर से वो शूट किया था टाइम लैप्स, जो मैंने आपको एक बार दिखाया था 24 आवर्स वाला, तो वो इस बिल्डिंग से शूट किया हुआ है। समा टावर है इस बिल्डिंग का नाम। और ये इसका स्ट्रक्चर काफ़ी अजीब सा है, मैं आपको अगर दिखाऊंगा नज़दीक से, जब अगर नज़दीक पहुंचते हैं बिल्डिंग के, तो बिल्कुल ये एकदम ऐसी एसिमेट्रिकल बिल्डिंग है। नीचे से एकदम एक तरफ से आगे से पतली है, ऊपर से मोटी है। इसका अजीब सा वो है सेक्शन है, आप सर्च करना गूगल पे समा टावर, आप लिखना SAMA, मैं आपको दिखाता हूँ नाम, देखिए उसका नीचे ये है, नीचे ये समा टावर है, तो इसको आप सर्च करना और आप देखना, इसका बड़ा ही शानदार स्ट्रक्चर है इस बिल्डिंग का। ये देखिए नीचे से अभी आपको दिख रही है पतली है, और वो देखिए ऊपर से मोटी है, टेढ़ी मेढ़ी अजीब सी बिल्डिंग है। और ये जो आप देख सकते हैं सामने, ये एक बोट स्टाइल की बिल्डिंग है। ये एतिसलात जो यहाँ की एक टेलीकॉम ऑपरेटर है उसका हेड ऑफिस है। ये कश्ती की टाइप से बनाई हुई है, नीचे की तरफ जो है वो ऊपर जैसे बोट का निकलता है डिज़ाइन, तो वैसा डिज़ाइन है। और ये ऊपर जो आप देख रहे हैं गोल ग्लोब, तो ये एतिसलात की बिल्डिंग्स की जो है पहचान है कि हर एक एतिसलात की बिल्डिंग पर आपको जो ग्लोब है वो नज़र आता है। और ये सामने अभी हम एक टनल में जा रहे हैं, छोटी सी टनल है, इसके ऊपर जो राउंड अबाउट है उसका नाम है ट्रेड सेंटर राउंड अबाउट। यहाँ से आप बेसिकली मानिए कि शेखजायद रोड जो है वो स्टार्ट होती है, वैसे होती तो पीछे बड़दुबई से है, लेकिन यहाँ से हम मानते हैं स्टार्ट होना इसका। और आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि बारिश है और प्लस शाम का टाइम है। नॉर्मली अभी 5:10 हुए हैं, सब लोग अपने अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, तो थोड़ा सा स्लो मूविंग ट्रैफिक है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो कम से कम आपको पसंद आ रहा है, आप इसको अभी तक देख रहे हैं, वरना पता नहीं आपने अभी तक इसको बंद भी कर दिया होगा, तो 11:35 हो गए हैं, तो शायद आपने बंद भी कर दिया हो, मुझे इसका आइडिया नहीं है। लेकिन अगर देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको कुछ नई नई बातें जानने को मिल रही होंगी दुबई के बारे में। ये हम जस्ट अभी बाहर निकले हैं। और ये देखिए दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये जो पीछे बिल्डिंग आप देख रहे हैं, बिल्डिंग नहीं बेसिकली, ये एक इसका नाम दिया है फ्रेम, ये देखिए ये काफ़ी ऊंची है, अभी यहाँ से नज़र नहीं आ रहा इतना। ये एक फ्रेम बनाया है और ये बनने वाला है मेरे ख्याल से अगले 3-4 महीने के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा। इसमें एक तरफ आपको दिखेगा, अगर आप एक तरफ से देखते हैं तो आपको दिखेगा पुराना दुबई जो ओल्ड दुबई है, और अगर आप इसमें दूसरी तरफ से देखते हैं तो आपको पूरा नया दुबई जो होता है वो आपको नज़र आएगा। तो ये इन्होंने अपने उसके लिए बनाया है कि एक मिरर टाइप से है कि आप इधर से झांकेंगे तो आपको पुराना दुबई नज़र आएगा और दूसरी तरफ से जो आप झांकेंगे तो आपको नया दुबई नज़र आएगा। इसमें ऊपर की तरफ जो एरिया है वहाँ पे ऑब्जर्वेशन डेक बनने वाला है, तो वहाँ पे बनेगा ऑब्जर्वेशन डेक, और ये काफ़ी यू नो ऊँचा है। जबील पार्क है यहाँ पे, काफ़ी बड़ा पार्क है, उस पार्क में ही बनने वाला है। और ये रोड के इस तरफ जो पार्क है वो भी जबील पार्क है, और रोड के इस तरफ जो पार्क है वो भी जबील पार्क है, काफ़ी अच्छा पार्क है। वो जो बीच में आप देख सकते हैं ये ब्रिज है जो दोनों पार्ट को कनेक्ट करता है, यहाँ पर छोटी सी ट्रेन भी चलती है, बाकी आप पैदल भी जा सकते हैं इस ब्रिज से। तो जबील पार्क काफ़ी अच्छा है, ये देख सकते हैं आप दुबई फ्रेम। और इधर सारा जो ट्रैफिक है वो जा चुका है नीचे करामा और बड़दुबई के लिए, हमको जाना है सीधा। वो देखिए सामने फोर्ड मस्टैंग, फोर्ड मस्टैंग के पास में लेक्सस LX460। और मैं आपको अभी एक बार बस हयात तक दिखाता हूँ आगे, और उसके बाद मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दूँगा, क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा लंबी बन रही है, बहुत बोरिंग बन रही है। और दोबारा से लगता है बारिश शुरू होने वाली है, छींटे पड़ रहे हैं, दो दो दिन तीन छींटे हैं नीचे। ये देखिए बिजली भी चमकी है दोस्तों, आपने पता नहीं शायद देखी है या नहीं देखी है, ये देखिए आवाज़ आई बिजली की, देखते हैं एक और बार अगर आए तो बिजली। काफ़ी अच्छा मौसम है आज, तो बिल्कुल समझिए कि मज़ा ही आ गया है बिल्कुल। ये दोस्तों देखिए जो इधर सामने आपको दिखेगा एक पिरामिड स्टाइल का एक बिल्डिंग नज़र आएगी, मैं आपको दिखाता हूँ, वो रैफल्स होटल है यहाँ पे, आपको दिखाता हूँ मैं। और उसके पास में ही वाफी मॉल है, इधर भी एक ब्रिज का काम चल रहा है, ब्रिज है जो इधर से बन रहा है अभी, उधर से उतरेगा। आपको मैंने ऑलमोस्ट करीब करीब 15 किलोमीटर के आसपास का जो है वो मैंने आपको दुबई दिखा दिया, आप देख सकते हैं। ये जो है वो ब्रिज का काम जो बता रहा हूँ, जो ब्रिज का काम चल रहा है, और सामने ब्रेक लग रहे हैं, इसका मतलब मे बी एक्सीडेंट भी हो सकता है कोई। ये देखिए ये जो होटल है ये पिरामिड आपको दिख रहा है शेप का, ये रैफल्स होटल है, और काफ़ी अच्छा है। इसमें बाहर की तरफ दीवार पे ना बारीक बारीक वो नकाशी करी हुई है इजिप्शियन स्टाइल की, लेकिन अभी शायद कैमरे में नज़र नहीं आ रही है, बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए बिजली चमकी है बहुत ज़ोर से, और ये सामने मेरी फेवरेट गाड़ी है दोस्तों, जो आप देख सकते हैं मर्सिडीज G-क्लास, G63 या G55 या G63 कोई भी हो, मुझे बस ये शेप काफ़ी पसंद है गाड़ी अंदर, चाहे G55 हो चाहे G63 हो, मेरी फेवरेट कार है। और बस यही है, मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।